नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एग्जस्ट कूलर मोटर का डेटा। जी हाँ दोस्तों, तो छोटी सी वीडियो है, ध्यान तक देखिए। देखिए, ये जो मोटर आप देख रहे हैं ये 24 स्लॉट की मोटर है, और ये जो एग्जस्ट कूलर होता है, जो बड़ा वाला कूलर होता है, चार पंखड़ी में जो आता है, लोहे की पंखड़ी जिसमें लगी होती बड़ा वाला, उसका ये मोटर है और 24 स्लॉट में है। और जो इसका इनर डायर है, ये इनर डायर यहाँ से यहाँ तक का ये 3 इंच का है। देखिए, इनर डायर इसका 3 इंच है, ठीक है, 3 इंच इसका इनर डायर है। वो जो स्टैम्पिंग साइज है, जिसको हम स्टेटर साइज हम बोलते हैं, वो इसका है 2 इंच, फिक्स 2 इंच है पूरा, ठीक है। दोस्तों, इसके अंदर रनिंग में 4 कॉइलें डलती हैं, स्टार्टिंग में भी 4 कॉइलें डलती हैं, और रनिंग में इसका गेज रहेगा 27 नंबर, और स्टार्टिंग में गेज रहेगा 29 नंबर। चाहे फिर आप एल्यूमिनियम से रिवाइंड कर रहे हो या कॉपर से रिवाइंड कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, या फिर आप गेज चेंज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम में आप जो मैंने बताया 27 नंबर रनिंग में, उसके जगह आप 26 नंबर ले सकते हैं अगर एल्युमिनियम से रिवाइंड कर रहे हो तो, और जो स्टार्टिंग 29 नंबर मैंने बताया उसकी जगह आप 28 नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉपर में आपको यही गेज रखना है 27-29, ठीक है। तो रनिंग के अंदर 27 नंबर गेज हैं, और कॉइल की लंबाई है 28 इंच रनिंग में, और स्टार्टिंग के अंदर कॉइल की लंबाई जो है वो है 27 इंच स्टार्टिंग में, रनिंग में 28 इंच, ठीक है। अब बात करते हैं टर्न की, तो रनिंग की कॉइलों के जो टर्न्स हैं वो है 100, और स्टार्टिंग की कॉइलों के टर्न जो है वो है 120, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉइल बना के रखी हुई है, देख सकते हैं आप, 4 कॉइलें हैं रनिंग और स्टार्टिंग दोनों की। दोस्तों, मैं थोड़ा सा लिख के आपको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो जो हमारी मोटर है वो है एग्जस्ट कूलर की, ठीक है। जो मोटर की जो स्लॉट्स हैं वह 36, सॉरी 24 स्लॉट, मुझसे 36 निकल गया, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया। ठीक है, 24 स्लॉट की हमारी मोटर है, और जो मोटर के जो आरपीएम है दोस्तों वह 1440 आरपीएम, ठीक है। हमारी मोटर के, उसके बाद जो मोटर की जो पिच है दोस्तों वो ध्यान से देखिए, पिच है रनिंग का 2 स्लॉट छोड़ के 1 से 4 में 1 बार कॉइल को मोड़ के डालना है, 1 बार
ठीक है, और एक से छः में दो बार आपको डालना है, एक कॉइल तीन बार मुड़ेगी, एक से चार में सिंगल, एक से छः में दो बार, ठीक है। ये रनिंग का है और सेम स्टार्टिंग का भी यही पिच है। यहाँ पे लिख देता हूँ रनिंग एंड स्टार्टिंग, ये दोनों का है, ठीक है। पिच सेम तरीके से डलेगा दोनों में, और मोटर का जो स्टेटर साइज है वो है यहाँ पे 2 इंच है, स्टेटर साइज 2 इंच है, और इनर डायर जो है वो 3 इंच है, इस तरह से है। वोल्ट जो है मोटर की 220 वोल्ट एसी है, सिंगल फेस है, सिंगल फेस मोटर है। अब बात करते हैं इसके कनेक्शन की। कनेक्शन 1 से 3 में होंगे, 1 से 3 में होंगे, तो ये इसका डेटा है। और कॉइल की जो लंबाई है वो मैंने बता ही दी है आपकी, कॉइल लेंथ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रनिंग और स्टार्टिंग का, ठीक है। तो पहले रनिंग का यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉइल लेंथ जो है वो 28 इंच है रनिंग में, और स्टार्टिंग में है 27 इंच। जी हाँ दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। तो ये हमारी मोटर का इसका डेटा, जिससे हम इसे आराम से बना सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इसकी रिवाइंडिंग वीडियो हमने पहले अपलोड कर रखी है, देखना चाहते हैं देख सकते हैं आराम से, कनेक्शन की भी रिवाइंडिंग की भी। फिर मिलते हैं अगली दोस्तों अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।